बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इया का नाबुद इया का नस्तईन। हम लोग चूँकि चाहते हैं इमरान खान के विजन के मुताबिक कि हमारा सूबा अपने पाँव पे खड़ा हो, और उसके लिए हमने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बहुत से इनिशिएटिव लिए हैं और अपने बजट में भी बहुत सारा पैसा एलोकेट किया है। हमारा ये फूड सिक्योरिटी का मसला है पूरे पाकिस्तान का भी और स्पेशली हमारे सूबे का, तो उसके लिए माशाल्लाह इस बजट के अंदर हम लोग एक लिफ्ट कनाल CRBC बनाने लगे हैं जिससे तकरीबन 3 लाख प्लस एकड़ ज़मीन सराब होगी और हमारा सूबा खुद कफील होगा फूड सिक्योरिटी में। CRBC लिफ्ट कनाल के साथ जो हमें एक मेजर एडवांटेज होगा वो ये होगा कि बायो इंजीनियरिंग जिसको आप कहते हैं, और इसकी हमने लिविंग एग्जाम्पल अल्हम्दुलिल्लाह 2015 में खान साहब ने ही आकर बिलियन ट्री का पहला दरख्त डेरा इस्माइल खान में लगाया था और वो रिवर इंडस के पैरेलल है। उस एरिया में बहुत ज़्यादा रिवर कटाई करता था, कभी उधर से काट के मतलब लोगों के घर डैमेज हो जाते थे। वो जो दरख्तों की लाइन लगी है उसने एक नेचुरल बैरियर बना दी है, उस एरिया में कोई इरोजन नहीं हो रही है, उससे ऊपर भी हो रही है उससे नीचे भी हो रही है। तो इस तरह की जो लो कॉस्ट सॉल्यूशंस हैं हमें उसकी तरफ जाना है। साथ हमारे और प्रोजेक्ट्स भी हैं, टांग जाम, चौधवान जाम, द्राबल जाम, उसी हमने फिताह किया सौबी के अंदर एक, जिसमें 30,000 एकड़ ज़मीन जो है उसमें आबाद हो रही है और मजीद 8,000 एकड़ मजीद भी हमने इंक्लूड की है। तो जब तक हम अपने पाँव पे खड़े नहीं होते उस वक्त तक हम एक कौम नहीं बढ़ सकते। इमरान खान साहब ने हमेशा ये विजन दिया, हम उस पर काम कर रहे हैं। बर्जर एरिया में भी हमारे छोटे जो पोटेंशियल एरियाज हैं जहाँ चेक डैम बन सकते हैं वहाँ पे चेक डैम भी बनाएंगे, और साथ साथ ज़मीनों को लेवल करके इरीगेट करने के लिए लोगों को इंशाल्लाह हमने पूरा फंड एलोकेट किया हुआ है। एक अच्छा माहौल देंगे अपनी ज़रात को, अपने किसान को। इंशाल्लाह शुक्रिया।